हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? एंड आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो भाई, मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ ज़ूडियो का बहुत ही अच्छा कलेक्शन, जो कि आपको बहुत पसंद आने वाला है। और ज़ूडियो के बारे में आपने जितना भी सुना होगा, मैं आज उसकी सच्चाई बताने वाली हूँ कि क्या क्या क्वालिटी होती है कपड़े की, प्राइजेस क्या होते हैं एंड सारी चीज़ें, और क्या क्या यहाँ पर मिलता है। अच्छे से अच्छा जो भी एक्सपीरियंस मेरा है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आप ये वाली ड्रेसेस देख सकते हैं, जो मैं ड्रेस देख रही हूँ, ये बहुत ही अच्छी ड्रेसेस हैं और ये 899 रुपीज़ की हैं। तो गाइज़, आप इस तरीके से प्राइस को समझ सकते हैं और मैं आपको बहुत कुछ समझाऊंगी। ये वाली आप ड्रेस देख सकते हैं, ये भी ड्रेस बहुत अच्छी है। ये भी स्टूडियो का एक बहुत ही अच्छा सा कलेक्शन है। आप इसे एज अ पार्टी वेयर भी कहीं पहन के जा सकते हैं। सो बहुत अच्छी है। ये भी 899 रुपीज़ की थी। ये 799 रुपीज़ के यहाँ पर कुर्ते मिल रहे हैं। एंड आप ये ड्रेस देख सकते हैं, सेम एज इट इज़ मेरी ड्रेस की तरह जो मैंने पहन रखी है। तो ऐसी ड्रेसेस भी आप ले सकते हैं, ये भी 899 रुपीज़ की हैं। यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे कुर्तों कलेक्शंस भी है। कुर्ते भी यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे वाले मिल जाएंगे आपको, पर मेरा ध्यान हमेशा वाइट कलर पर ही इतना क्यों जा रहा है आजकल, मुझे समझ में नहीं आ रहा। वाइट कलर मुझे बहुत पसंद आने लगा है। वैसे मेरा ब्लैक कलर जो है फेवरेट है, बट हो सकता है गर्मी भी एक जो है रीज़न है, क्योंकि गर्मी में जो है ना ठंडक वाले कलर पसंद आते हैं। एंड इसके बाद मैंने सोचा भाई कुछ तो न्यू एक्सप्लोर किया जाए। तो मैंने सब कुछ अंडरस्टैंड करने के बाद में मेरा मन करने लगा कि छोड़ो सबको, शॉपिंग करने दो एंड मैं यहाँ पर नेल पेंट ट्राई करती हूँ, देखती हूँ नेल पेंट की क्या क्वालिटी है। और सबसे बड़ी खासियत थी कि यहाँ पर थिनर वगैरह रखा हुआ था, तो चलिए मैं चूज़ कर लेती हूँ विच कलर इज़ बेस्ट फॉर मी। तो इतना सब कुछ समझने के बाद कभी तो मुझे लाइट कलर समझ में आ रहे थे और कभी डार्क कलर। फिर मैंने सोचा कोई सा भी कलर लगा लो, मुझे क्या, मुझे थिनर लगाना है और उसे हटा देना है। बट मैं ट्राई ज़रूर करूँगी और कोई भी मुझे थोड़ी बहुत भी ठीक लगी तो मैं इसको ज़रूर परचेज़ करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई भी नेल पेंट नहीं है। मैं नेल पेंट वगैरह जो नहीं लगाती हूँ, बट मैंने सोचा यार एक आध तो होनी चाहिए फॉर मतलब फैशंस मेकअप के कलेक्शंस में होनी ही चाहिए। बट कोई नहीं, मैं यहाँ पर देख रही थी, एक्सप्लोर कर रही थी और मैंने नेल पेंट लगाई बट कुछ खास नहीं लगी। मैंने कहा लगता है कुछ, ये वाली देखी मैंने, ये रेड वाली। फिर मैं सोच रही थी रेड वाला कलर सही रहेगा कि नहीं रहेगा, तो मैं यहाँ पर बहुत कुछ था मेरे नज़र में आई ये पिंक कलर। मैंने कहा इस पिंक कलर को मैं ट्राई करती हूँ, देखती हूँ कि इसका कैसा कलर आता है और कैसी लगती है लगाने के बाद में। ये देखिए मैं पिंक कलर की नेल पेंट को ट्राई कर रही हूँ, बहुत ही अच्छी नेल पेंट है ये। पिंक कलर वाला कलेक्शन मुझे खास लगा, सच में बहुत ही खास लगा पिंक कलर वाला ये कलेक्शन। एंड यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शन थे, नेल पेंट कलेक्शन सच में बहुत ज़बरदस्त था। जिस तरीके से मैंने आपको बताया ये सच है एकदम, यू नो इट्स माय ओन पर्सनल एक्सपीरियंस। एंड इसके बाद मैं यहाँ पर देखने लगी बहुत अच्छे अच्छे शूज़ का कलेक्शन, काफ़ी अच्छे अच्छे शूज़ थे। मैंने सोचा थोड़ा सा अपने आप को भी दिखा दूँ, क्योंकि जब भी मार्केट वगैरह का ब्लॉग बनाती हूँ मैं अपने आप को नहीं दिखा पाती हूँ, तो मैंने सोचा थोड़ा सा इस बारे ब्लॉग में अपने आप को भी दिखाती रहूँगी एंड ज़ूडियो का जो एक्सपीरियंस है मेरा वो भी मैं आप तक शेयर करती रहूँगी। तो फिज़ा भी यहाँ पर नेल पेंट, तो यहाँ बहुत ही प्यारी सी नेल पेंट लग रही थी, तो मैंने सोचा कोई और सी नेल पेंट ट्राई कर लेती हूँ। ये देखिए इतने सारे प्यारे प्यारे कलेक्शंस हैं नेल पेंट वगैरह के। तो भाई मैंने सोचा छोड़ो सारी चीज़ें, फिज़ा कहने लगी मैं तो छुटा दे रही हूँ उसे। और थिनर हमारे पास यहाँ पर था। यहाँ पर सबसे बड़ी खासियत ये है कि आप नेल पेंट को ट्राई भी कर सकते हैं, थिनर की हेल्प से आप उसे छुटा भी सकते हैं। मतलब आपको ये चीज़ें बहुत ही कम मिलेंगी। मुझे यहाँ पर आके सच बताऊँ बिल्कुल इतना अच्छा लग रहा है, जैसे कि हम किसी भी ब्रांडेड शोरूम वगैरह में जाते हैं, किसी भी ब्रांड के कुछ भी ख़रीदते हैं, वहाँ जाके हम जैसे मिडिल क्लास लोगों को हमेशा ऐसा लगता है कि भाई हम कहाँ आ गए हैं, और बिल्कुल अपनापन टाइप का नहीं लगता। लेकिन ज़ूडियो सच में इतना अच्छा है कि यहाँ पर आके आपको बिल्कुल अपनापन सा लगेगा, और प्राइस भी एकदम ऐसे होंगे, यस अफोर्डेबल प्राइस हैं, ताकि आप अच्छे तरीके से अपनी शॉपिंग कर सकते हैं। तभी मेरी नज़र गई इस वाली फ़्रॉक पे। ये भी इसका प्राइस 899 का था और मैंने सोचा अगर मुझे सही लगी तो मैं इसे ज़रूर मतलब शॉपिंग करूँगी। एंड इसके बाद मैंने इसको ट्राई करके देखा, जब मैंने इसको ट्राई करके देखा तो ये बिल्कुल फिट आ रही थी, पर थोड़ी टाइट थी। और इसका जो मतलब डिज़ाइन भी बहुत ही प्यारा है, बता नहीं सकती इतनी एकदम बेहतरीन सी लग रही थी ये मुझे फ्रॉक।
बहुत ही अच्छी लग रही थी मुझे वाली फ्रॉक, मैं बता नहीं सकती इसकी क्वालिटी। इतने अच्छे अच्छे से फ्लावर भी प्रिंट हो रखे थे। तो चलिए अब मैं इस वाली फ्रॉक को आपको पहन के दिखाती हूँ। ज़ूडियो का बहुत ही अच्छा कलेक्शन आपको मिलेगा सच में। जैसे कि मैं बहुत सारी मार्केट में विज़िट करती रहती हूँ, 399 में इतना बेहतरीन कलेक्शन एंड क्वालिटी में इन कुर्तों की इतनी अच्छी है कि जब इसे आप पहन के जाओगे ना, मैं सच बता रही हूँ, मैंने ऐसे बहुत सारे कुर्ते जो है पहले से ही परचेज़ किए हुए थे, यानी मैंने पहन रखे हैं ऐसे कुर्ते, मॉल्स वगैरह में आपको हर जगह मिल जाएंगे। लेकिन प्राइस की बात की जाए तो प्राइस 399 आपको नहीं मिलने वाला है, बहुत महंगे महंगे कुर्ते मिलते हैं। तो इसीलिए ज़ूडियो जो है बहुत सस्ता है और बहुत ही फ्रेंडली है अगर देखा जाए तो। 899 की ये ड्रेस है, देखिए आप ये वाली, एंड यहाँ बहुत, ये भी 899 रुपीज़ की ड्रेस है जो कि बहुत अच्छी है। ऐसे आपको बहुत अच्छी ड्रेस मिलेंगे, ऐसे क्रॉप टॉप चाहिए आपको, कार्गो जीन्स वगैरह चाहिए, एंड ये स्लीपर तो मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, सही बता रही हूँ मैं, इसकी जितनी तारीफ करूँ इन स्लीपर्स की उतनी ही कम है। बहुत अच्छी लगी मुझे वाली स्लीपर्स, ज़ूडियो कंपनी की है। एंड आप ये देख सकते हैं इतना सारा कलेक्शन आपको यहाँ पर कुर्ते वगैरह का भी मिल जाएगा। तो ऐसा बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शंस आपको अलग अलग जो है जगहों पर मिलेगा। ये वाला कुर्ता मुझे बहुत अच्छा लगा, इसके बाद मैंने सोचा भाई सबकी तारीफ़ करते करते अपना जो ड्रेसिंग सेंस है या फिर लुक कह सकते हैं वो तो भाई दिखाना ही पड़ेगा। एंड आई होप आपको पसंद आया होगा मेरा आज का लुक। चलो छोड़ो, एंड मैं आपको और भी बहुत कुछ दिखाने वाली हूँ। सो गाइस आप देख सकते हैं मैं आज कितनी प्यारी लग रही हूँ, क्यूटी पाई लग रही हूँ सच में। आज तो मुझे खुद को देख के लग रहा है कि सच में ये सामिया खान नहीं हो सकती है, सामिया खान तो इतनी स्मार्ट है ही नहीं। चलिए इतनी सारी बातें हो गई हैं, इसके बाद मैंने यहाँ पे इतने अच्छे अच्छे टॉप देखे। तो मुझे, मैं ज़ूडियो में वैसे शॉपिंग करने की पर्पज़ से नहीं आई हूँ, पहले ही मैं आपको बता देती हूँ, पर फिर मैंने सोचा कुछ ना कुछ तो परचेज़ कर ही लूँगी अगर बहुत ज़्यादा पसंद आ गया। मैं शॉपिंग तभी करती हूँ जब मुझे कोई चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आ जाती है। मैं ज़ूडियो में शॉपिंग करने के पर्पज़ से बिल्कुल भी नहीं आई हूँ, क्योंकि मैं यहाँ घूमने के पर्पज़ से आई थी, सेक्टर 18 तो मैं GIP आ गई, यानी यहाँ पे ज़ूडियो है तो मैं यहाँ पर एक्सप्लोर कर रही हूँ। तो मेरी, मैंने कहा कोई अगर मुझे यू नो फुटवेयर मिल जाएगी तो मैं ज़रूर लूँगी, क्योंकि मुझे फुटवेयर का बहुत ज़्यादा पसंद है एंड अभी मुझे नीड भी है बहुत ज़्यादा। तो मैं देख रही थी कोई स्लीपर वगैरह, कोई सैंडल वगैरह, शू वगैरह कुछ भी पसंद आ जाएंगे तो मैं ले लूँगी, बट बहुत कुछ एक्सप्लोर कर रही थी मैं, देख रही थी क्या है यहाँ पर जो मेरे दिल को भा जाएगा। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या लूँ, कुर्ते पे पहनने के लिए नीचे लूँ या फिर मैं यू नो 299 रुपीज़ की, इतने सस्ती सस्ती यहाँ पर आपको मिलेंगी 299 रुपीज़ की, इतना अच्छा कलेक्शन आपको ज़ूडियो का यहाँ पर मिल जाएगा। ज़ूडियो बहुत ही अच्छी ब्रांड है भैया, आपको एकदम सुकून से आप यहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं। जैसे कि आप दिल्ली की अगर मार्केटों में विज़िट करते हैं, जैसे कि मैं विज़िट करती हूँ सरोजनी वगैरह में, उसका कंपैरिजन किया जाए वैसे तो ज़ूडियो का सरोजनी से कोई कंपैरिजन नहीं है। सरोजनी भी अपनी जगह बहुत अच्छी मार्केट है, क्योंकि मैं वहाँ विज़िट करती हूँ एंड बहुत कुछ बहुत सस्ता मिलता है। और अगर ज़ूडियो की बात की जाए, बट ये मिडिल क्लास लोगों के लिए बहुत अच्छा ब्रांड है, यानी आप अच्छे कपड़े पहन सकते हो, एकदम बजट यू नो अपने बजट के हिसाब से अच्छे से शॉपिंग कर सकते हो आप इस ब्रांड में, ये खासियत आपको ज़ूडियो में मिल जाएगी। और यहाँ के ज़ूडियो में इतनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी कि मैं आपको बता नहीं सकती, तभी मैं ऐसे वाले सैंडल देखने लगी, मैंने कुछ डिफरेंट एंड यूनिक हो जाएंगे, इनमें से ही कोई पसंद आ जाए मुझे। मैं खूब देख रही थी, घूर रही थी, बट मुझे कोई समझ में नहीं आ रहा था। एंड इसका प्राइस था 399 और काफ़ी अच्छे थे ये, और आजकल ऐसे वाले सैंडल काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं। तो मैं निदा से कहने लगी भाई जल्दी से मेरे लिए कोई सैंडल वगैरह ढूंढ के दे दें, पर निदा बोली यार मेरे खुद समझ में नहीं आ रहा कि क्या सही रहेगा। तो यहाँ पे 299 रुपीज़ की बहुत ही अच्छी जो है टी शर्ट्स वगैरह मिल रही थी, कलर भी सबके अलग अलग थे, साइज़ भी, और बहुत अच्छे अच्छे प्रिंट भी थे इन पे। और इसके बाद यहाँ पे कार्गो वगैरह भी बहुत अच्छी अच्छी मिल रही थी, एंड बहुत अच्छे अच्छे जो है जीन्स वगैरह, टी शर्ट्स वगैरह सब कुछ बहुत अच्छी थी, एंड जीन्स की क्रॉप टाइप की जो ये जैकेट है ये भी बहुत ही प्यारी लग रही थी। ऐसे यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शन आपको मिल जाएंगे ज़ूडियो में। ज़ूडियो मेरी वन ऑफ फेवरेट यू नो ब्रांड है, बन चुकी है, क्योंकि जो मेरा एक्सपीरियंस है यहाँ पे आने के बाद में, वो सबसे पहली बात तो आपको जो आपका बजट है उसके हिसाब से आप अच्छे से शॉपिंग कर सकते हैं, एंड स्पेशली फॉर ये ब्रांड जो है ये स्पेशली मिडिल क्लास लोगों के लिए बेस्ट है, क्योंकि मिडिल क्लास लोग अपनी आराम से शॉपिंग कर सकते हैं, चाहे तो फुटवेयर या फिर यू नो ड्रेसेस
कुछ भी यू नो बहुत अच्छी प्राइस में यू नो शॉपिंग कर सकते हैं, बहुत कुछ बहुत अच्छा मिल सकता है आपको यहाँ पर। तो आप ज़रूर से जो है शॉपिंग करें ज़ूडियो में और एक्सप्लोर करें, बहुत कुछ आपको एक्सप्लोर करने के लिए यहाँ पर मिल जाएगा। ज़ूडियो मैंने बहुत सारी नेल पेंट देखी एंड इसके बाद मेरी नज़र पड़ी यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे जो है लिप बाम वगैरह थे, कॉफ़ी कलर का भी थे और बहुत अच्छे अच्छे कलर के थे। कलर भी यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको सारे मिल जाएंगे, ये देख सकते हैं, ये वाला भी आप देख सकते हैं, सारे कलर थे, लाइट पिंक, डार्क पिंक एंड ऐसे इतने सारे कलर्स के नेम थे कि इवन आपको पता भी नहीं होगा कि यू नो कॉफ़ी कलर एंड ऑल दोज थिंग्स। तो ये था ज़ूडियो एंड मैंने बहुत कुछ एक्सप्लोर करने के बाद मैंने सोचा कि भाई मेरे मतलब का तो यहाँ पर कुछ नहीं है एंड मैं शॉपिंग करने के पर्पज़ से आई भी नहीं हूँ, तो अभी पैसे नहीं उड़ाने वाली मैं, क्योंकि अभी मेरा बर्थडे बर्थडे कुछ भी ऐसा सेलिब्रेशन का मौका नहीं है। पर मेरी भांजी का बर्थडे है तो इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना छोटे बच्चों के कपड़े देखे जाएं। तो मैं अब आ रही हूँ, ये नीचे वाले फ्लोर पे था, मैं सेकंड फ्लोर पर जा रही हूँ, बच्चों के लिए कुछ यू ना एक्सप्लोर करूँगी, देखूँगी कुछ अच्छा लगेगा तो माहिरा के लिए ज़रूर से शॉपिंग करूँगी और इब्राहिम के लिए भी, क्योंकि भाई उसके लिए उसको जींस और टी शर्ट पहनने का बहुत ज़्यादा शौक है, जींस और शर्ट पहनने का भी। तो मैं इब्राहिम के लिए देख रही थी तो मैं ये जींस देखने लगी, कैप्री भी 399 रुपीज़ की थी, 399 रुपीज़ में काफ़ी अच्छी अच्छी टी शर्ट्स थी फॉर बॉयज़ कलेक्शन। यू नो बॉयज़ का कलेक्शन भी यहाँ पर बहुत अच्छा होता है एंड एकदम अफोर्डेबल सा होता है, तो बॉयज़ भी यहाँ शॉपिंग कर सकते हैं। ये टी शर्ट देख सकते हैं 499 रुपीज़ की है, एकदम जो है अफोर्डेबल प्राइस है, 500 रुपये में इतनी बेहतरीन जो है शर्ट टी शर्ट्स वगैरह खरीद सकते हैं। यहाँ पे कार्गो वगैरह का कलेक्शन भी बहुत अच्छा था, कार्गो भी आपको अलग अलग कलर में यहाँ पर मिल जाती है एंड यहाँ पे जो यू नो स्वेटर वगैरह कलेक्शन था वो बहुत अच्छा था, बच्चों की अच्छी अच्छी जो है फ्रॉक वगैरह मिल रही थी, फ्रॉक वगैरह कलेक्शन भी बहुत अच्छा था एंड ये जीन्स वाली फ्रॉक देख सकते हैं ये भी बहुत अच्छी थी। ऐसे ही यहाँ बहुत ही अच्छे अच्छे कलेक्शन आपको बॉयज़ के लिए भी मिल जाएगा एंड गर्ल्स के लिए भी मिल जाएगा। कलेक्शंस की बात की जाए तो कलेक्शंस की कोई कमी नहीं थी, एकदम भरमार थी एकदम जो कह सकते हैं। एंड ज़ूडियो का जो एक्सपीरियंस मेरा रहा है यहाँ पर पूरा कुछ एक्सप्लोर करने के बाद में, वो मैं ये बताना चाहती हूँ कि ज़ूडियो में आप बच्चों की शॉपिंग भी बहुत ही शौक से कर सकते हैं, बच्चों के लिए भी यहाँ पर बहुत कुछ था देखने के लिए। पर मैं ये बताना चाहती हूँ कि माहिरा के लिए मुझे कुछ खास नहीं मिला फॉर बर्थडे गिफ्ट, क्योंकि मुझे उसको बर्थडे के लिए पर्पज़ से देना था तो उतना कुछ खास नहीं लगा मुझे, नॉर्मल लगे कपड़े जो कि आप कहीं मॉल वगैरह में पहना के ले जा सकते हैं, स्पेशली बर्थडे गिफ्ट के लिए कुछ चमक धमक के कपड़े चाहिए थे वो मुझे नहीं मिले। तो गाइज़ अगर आपको व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।